हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, भारत आजकल आपको भारत देश का नाम खबरों में खूब सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि खुद को ताकतवर बनाने की दौड़ में इस देश ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। अभी की ही बात है कि भारत के स्वदेशी आइटम्स के एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1.5 बिलियन के स्वदेशी आइटम्स को भारत ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक बड़ी बात है। भारत की इस मेहनत को देखकर अमेरिकी जैसे देश भी भारत के साथ काम करने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी के एयरफोर्स सेक्रेटरी फ्रैंक केंडल ने अपने एक इंटरव्यू में भारत के साथ जेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात कही। साथ ही भारत के साथ काम करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका भारत के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। इसके पहले भी भारत और अमेरिका स्पेस टेक्नोलॉजी में साथ काम कर चुके हैं और सफल भी हुए हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जब दो देश मिलकर काम करते हैं तो कुछ आपसी मतभेद तो हो ही जाता है। अमेरिकी से पहले के मतभेद के कारण भले ही भारत अमेरिकी पर भरोसा दिखाने में डाउट करे, पर इस बात को भी हम नहीं निकाल सकते कि भारत के जितनी भी स्वदेशी फाइटर जेट्स है, AMCA से लेकर तेजस की पांचों सीरीज तक, सब में अमेरिका के इंजन ही लगाए गए हैं। भारत में अमेरिकन इंजन की डिमांड को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हजारों की संख्या पार कर सकती है। कहीं ना कहीं भारत अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स के इंजन के लिए अमेरिका पर ही डिपेंड करता है। चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा है तो अच्छा होगा कि भारत को इन्हीं इंजन की टेक्नोलॉजी मिल जाए। अगर भारत कोई टेक्नोलॉजी मिलती है तो भारत के लिए तो हेल्पफुल होगा ही, साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी काफी फायदेमंद का सौदा है। भारत के इतने बड़े मार्केट में कुछ शेयर अमेरिका को भी फायदा दिला सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत फाइटर जेट के इंजन को बना नहीं सकता। भारत के साइंटिस्ट ने इंजन बनाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। जेट इंजन बनाने का प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी जरूर होता है, पर इसे बनाना नामुमकिन नहीं है। बस भारत के लिए अभी इस इंजन को बनाने में 6 से 7 साल का समय लग सकता है। स्वदेशी जेट्स जो बनकर तैयार हैं, वो भारत में बने इंजन का इतना इंतजार करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।